सलाम नमस्ते। जीजी प्लेटर पर दलिया पुलाव, इट इज वन ऑफ अ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस डिश जो आप ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, एंड कभी डिनर में हल्का खाने का मन हो तब आप ये बना के तब भी खा सकते हैं। तो दलिया पुलाव, वी नीड मोटा दलिया। दलिया भी दो तीन टाइप के आते हैं, जैसे सूजी भी दो तीन टाइप की आती है, तो वी हैव टेकन मोटा वाला दलिया। और दलिया जब हम बनाते हैं तो हम उसको ड्राई रोस्ट करके पानी डाल के कुकर में पकाते हैं। सो वी विल डू दैट फर्स्ट। तो सीधा हम तकरीबन एक बड़ी कटोरी दलिया लेंगे और उसको हल्के से भूनेंगे। ऐसे टाइम पे अगर आप चाहें तो आप तेल या घी भी डाल सकते हैं, बट वाई टू यू नो एडिशनल, हम क्यों उसमें कोई फैट डालें। सो वी विल रोस्ट इट, और ये हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक एक हल्की सी खुशबू ये एमिट करे। आई एम गेटिंग द भुनी हुई दलिया की खुशबू, सो इट्स द राइट टाइम टू एड सम वाटर। अब अगर हमने एक कटोरी के करीब लिया है दलिया, तो हम दो कटोरी के करीब डालेंगे पानी, क्योंकि दलिया जो है ये फूलता है। साथ में अभी ही हम डाल देंगे नमक, ताकि जब ये फूले तब ये नमक अपने आप दलिया में मिक्स होके वो फूले, तो अंदर तक नमक का स्वाद आएगा। विल ऐड द वाटर। एक बार अच्छे से ट्वर्ल, बिकॉज नमक मिलाया है तो एक जगह ज्यादा और दूसरी जगह कम ना हो। मिला दिया, हर जगह नमक का स्वाद पहुंच गया। अब लगाएंगे हम कुकर का ढक्कन एंड दो से तीन सीटी तक इसको पकाएंगे। सो तीन सीटियां बज चुकी हैं दलिया की, और इसको अभी ठंडा होने देना है। तब तक हम बाकी की जो सब्जियां हैं उसको प्रिपेयर करते हैं। अब हम लेंगे एक पैन और उसमें गरम करेंगे तेल। इसमें जाएगा सिर्फ मस्टर्ड सीड यानी राई, और इसमें हम आंच कम करके ऐड करेंगे प्याज, तकरीबन एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। इसी टाइम हम डाल देंगे इसमें एक छोटी कटोरी बीन्स कटी हुई, क्योंकि बीन्स को पकने में टाइम लगता है। साथ में हम डाल देंगे गाजर बारीक कटा हुआ। कैप्सिकम भी डालना है, लेकिन अभी नहीं डालेंगे क्योंकि कैप्सिकम का कुकिंग टाइम बहुत कम होता है, एंड वी डोंट वॉन्ट दीज वेजिटेबल्स टू बी एकदम सॉगी, इसीलिए हमने कुकर में नहीं डाला है, उनको पानी में एकदम बॉइल नहीं किया है। वी वॉन्टेड विद द सॉटेड फीलिंग, जो तेल में थोड़ा सा फ्राइड वाली फीलिंग। इसमें डालेंगे नमक। दलिया में हम नमक ऑलरेडी डाल चुके हैं, इसलिए ये नमक सिर्फ ये सब्जियों को पकाने के लिए होगा। गिव इट अ नाइस मिक्स, ऐड द कैप्सिकम्स नाउ। अगेन इट्स जस्ट हाफ अ कैप्सिकम, बड़ी कैप्सिकम की आधी ली है, बट बेसिकली तीनों सब्जियां बराबर होंगी, प्याज थोड़ा ज्यादा है, दैट्स इट। अब हम अच्छे से मिलाकर गैस कम कर ढक कर इसी की भाप में इसको पकने देंगे 4 से 5 मिनट तक। बस सब्जी हमारी अब पक चुकी है, एंड दिस इज द राइट टाइम टू ऐड द दलिया। और ये जो दलिया है ये एब्सोल्युटली ड्राई हो चुका है, यानी खिल चुका है, ये वेट या गीला दलिया नहीं है इस समय। और इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, जस्ट एक बार ये अच्छे से मिल ले, एंड इट विल बी रेडी टू सर्व। सो लेट्स सर्व यमी सा दलिया, न्यूट्रिशियस टोटली, बिकॉज दलिया इज वेरी वेरी हेल्दी। एंड ये मैंने सिर्फ स्प्रिंग अनियन से इसको डेकोरेट किया है, स्प्रिंग अनियन के ट्रीज टाइप के बनाए हैं, एंड अमेजिंग टेस्टी यमी न्यूट्रिशियस दलिया पुलाव ऑन जीजीज प्लेटर फॉर यू, ओनली व्हेन यू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। व्हाट्सएप करते हैं ना, यू नो इट इज वेरी इजी टू शेयर दीज काइंड ऑफ लिंक्स ऑन व्हाट्सएप एंड योर फेसबुक एंड योर मेल्स, एंड यू कैन ऑलवेज सेंड योर कमेंट्स। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, मुझे एक सवाल आया था कि सब्सक्राइब कैसे करते, तो सब्सक्राइब का नीचे एक बटन आता है इस वीडियो के या हर जीजीज प्लेटर के वीडियो के नीचे। पेमेंट नहीं होती है, फ्री का होता है ये सब्सक्रिप्शन। इट इज़ ओनली कि हम लोगों का कनेक्शन बेटर होगा, और जो कॉन्टेस्ट आने वाली है उसमें सिर्फ सब्सक्राइबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब नाउ एंड एन्जॉय द दलिया पुलाव।